हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, तो मैं यहाँ ना कपड़े रखी थी बेड पे, जो कि मैं निकाली थी तो इसे धोने हैं, जो कि एक घंटे दो घंटे पहनी थी बस। तो इन साड़ियों को धोना है, और ये जो कपड़े हैं ये बाकी धुले हुए हैं, तो इन्हें अभी रख दूँगी सेफ में। और सुबह का क्लीनिंग चालू हो गया है। और आज माँ बेटी हम सुबह जल्दी जग गए थे, लेकिन ना थोड़ा सा घर पर कोई वो नहीं है, कोई और है नहीं, हम ही हैं माँ बेटी बस। तो अपने में मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे दोनों, मतलब परी को खिला रही थी मैं वैसे ही थोड़ा सा, नहीं तो फिर वो ना कार्टून में लग जाती है, तो दिन भर कार्टून देखना भी अच्छा नहीं होता है। और फटाक से उठ के काम भी नहीं करना था, कि मतलब कोई ज़रूरी भी है तो हम ही दो हैं, तो जब मर्जी खाएंगे बनाएंगे। तो उससे पहले घर का काम ख़त्म कर रही हूँ, तो अच्छा भी नहीं लग रहा था, वैसे भी कोई नहीं है। तो दोनों खेल रहे थे, और अभी खाट वाट निकाल दी हूँ, झाड़ू लगा दी हूँ, तो मुझे लगा चलिए बेड भी सही कर देती हूँ। तो इस पे कपड़े हटा के, और बेड शीट बदलूँगी नहीं क्योंकि अभी तो बदली थी, और इसे वैसे ही साफ कर दी हूँ, और जो है अपना सेट कर दूंगी सामान सारा। और एक तकिए का कवर लगा है, एक नहीं लगा है, आप लोग देख रहे होंगे, तो एक ना कपड़ों में कहीं खो गया है, तो सेफ में से कपड़े निकालूंगी सारा, तभी मिलेगा दूसरा। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में, तो किचन में ये ना अभी सुबह सुबह चाय बनाई थी, और उसके बाद चाय पीने के आधे घंटे के बाद ये ना नाशपाती लाई थी, कल गई थी मार्केट, तो मैं छील के और काट के परी को दे दी थी। तो परी को क्या हम दोनों खा लिए थे माँ बेटी, तो आज मैं बर्तन ना बाहर ही धुलूंगी, क्योंकि आज मेरे कमर में दर्द है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जो है ना सिजेरियन ऑपरेशन के वजह से ना मेरे दर्द हो ही जाते हैं, तो कभी कभी ना ऐसे मुझे दिक्कत हो जाता है। बाकियों को तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ना दिक्कत हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, उसके वजह से ना दिक्कत रहता है मेरे कमर में, कभी कभी तो ज़्यादा ही दर्द बढ़ जाता है, तो इसीलिए ना खड़े होके कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ। तो आज मुझे लगा चलो वो बर्तन बाहर ही धो लेते हैं, और रात में मैं आज बर्तन नहीं धुली थी, तो देखिए सारा बर्तन जो है ना बाहर ही धुलना पड़ा है। और रात में मैं बनाई थी दाल और चावल सब्जी, क्योंकि कल दिन में मैं सिर्फ चावल बना दी थी और परी को खिला दी थी दूध से, और मैं नहीं खाई थी, और उसका आदत पड़ चुका है, सिर्फ वो चावल ही खाती है, तो फिर इसीलिए मेरी भी मजबूरी है, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ कुछ और खाती ही नहीं है, तो इसीलिए मैं कल दिन में खाई नहीं, मेरा तबीयत नहीं ठीक लग रहा था। तो शाम को अच्छे से बनाई थी खाना, दाल चावल सब्जी, तो ये सारे बर्तन रह रहे हैं। और सुबह भी ना थोड़ा सा नाश्ता भी बनाई थी मैं, तो फ्राई पैन में, तो सब ये सब ज़्यादा बर्तन हो रहे हैं। और गिलास आप लोग गिनती कर सकते हैं, सिर्फ हम माँ बेटी में कई सारे गिलास गंदे और कटोरी हो गए होंगे, क्योंकि हर बार परी को पानी चाहिए, तो हर मतलब दूसरे बर्तन में चाहिए, तो इसीलिए। और ये सारे बर्तन जो है फटाक से ही धुल दूंगी। और आई है एक लड़की हमारे घर के बगल में, तो उससे मैं कही हूँ बाबू थोड़ा सा पानी दे दे इसमें, तो वो दे रही है मुझे पानी। मैंने सोचा चलो एक ही बार बैठे काम भी हो जाएगा, और बच्चों से थोड़ा सा काम भी करवा लो, कोई बात नहीं, बच्चों का जो है ना कर देते हैं काम, थोड़ा सा बोल दो तो बस। और परी यहीं खेल रही है इसी के साथ, थोड़ा सा टाइम हो जाता है ना, तो ये सब भी बच्चे जग जाते हैं तो आ जाते हैं इधर, तो साथ में थोड़ा सा वो भी खेल लेती है। और बस फटाफट मेरा बर्तन यहीं बैठे बैठे धुल गया, और सुबह का काम जल्दी का ही होता है, कुछ भी काम हो तो फटाफट करना ही पड़ता है। तो जगी तो मैं बहुत पहले की थी, अब तक तो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया होता, लेकिन मैं जैसे कि बताई हूँ आप लोगों को, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया है। और ये देखिए मेरे घर दो सदस्य और जुड़ गए, जो कि मैं कल दो पौधे ली थी, आए थे यहीं पे भैया बेचने, तो ये ना तुलसी जी का पौधा ली हूँ और एक हरी मिर्च का। और भी मुझे धीरे धीरे कई सारे पौधे लेने हैं, तो मतलब एक बार नहीं ली हूँ मैं, धीरे धीरे करके लूँगी। और तुलसी जी का पौधा बहुत ज़रूरी होता है घर पर लगाना, हमारे यहाँ गाँव में मायके में तो मतलब घर घर आपको मिल जाएंगी तुलसी जी। और यहाँ पर ना मैं ना बहुत पहले ही खरीद रही थी, लेकिन यहाँ पे सब कह रही थी ना कि ऐसा है कि खरीदते नहीं है तुलसी जी को, अगर कहीं से मिल जाए आपको तो ले आइए, लेकिन खरीदते नहीं है। तो मैंने कहा कि फिर कहाँ से लाती मैं, मैंने कई लोगों से पूछी, किसी के घर मिली ही नहीं, तो कितने दिन से ऐसे सोच रही थी, लेकिन फाइनली आज भैया आए थे ना गली में बेचने आते हैं, तो मैंने खरीद ली। मैंने कहा चलो जब नहीं मिल रही है तो फिर खरीद ही लेती हूँ, और आगे थोड़ा थोड़ा सा मैं जुगाड़ करने वाली हूँ, जो कि आप लोगों को जैसे जैसे आप लोग ब्लॉग देखेंगे ना वैसे वैसे आप लोगों को पता चलता रहेगा।
और ये देखिए परी आगे पीछे लगी रहती है मेरे, जैसे जैसे मैं काम करूँगी ना आगे पीछे परेशान करती रहेगी। अभी कुछ नहीं काम करूँगी ना तो अभी ये ना जो है नहीं रहेगी मेरे आगे पीछे, और जैसे ही मैं काम करना शुरू करूँगी वैसे ही आगे पीछे घूमती ही रहेगी। तो बस वही परेशान कर रही थी, और सारे जो ये थोड़ा बहुत काम थे वो मेरे ख़त्म हो गए हैं। तो मैंने सोचा चलो पहले बना देती हूँ खाना, तो फटाक से मैंने चावल बना दिया और दाल रखी थी रात का फ्रिज में रख दी थी, तो उसे गर्म करके और इसे मैं दे दे रही हूँ। मैं जानबूझ के इसीलिए रख दी थी क्योंकि मुझे पता था कि सुबह जो उठते ही इसे खाना चाहिए, तो अभी थोड़ा सा खेल लिए, नाश्ता की थी मेरे साथ तो अभी भूख लग गया था, तो मैं उसे खिला दी हूँ। और ये जो कपड़े अभी मैं सुबह निकाली हूँ, तो इन कपड़ों का ना सरफ में ऐसे ही थोड़ा थोड़ा देर है, तो पहना गंदा नहीं है ज़्यादा, लेकिन बस ऐसे ही करके और इन्हें निकाल दूंगी। और ये वाले साड़ी जो है ना मशीन में तो बिल्कुल भी नहीं धुल सकती मैं क्योंकि ख़राब हो जाएगा। तो और बाकी दो चार कपड़े हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो यहीं बैठे बैठे साथ में इसे भी धुल देंगे, ये दो साड़ी क्या धुलें। तो साड़ियाँ ना जो है मैं नहीं धुलती हूँ मशीन में, नहीं धुलती हूँ बिल्कुल भी नहीं धुलती हूँ, ख़राब हो जाएंगे। तो ये इस तरह से साड़ी है नेट का, तो और भी मतलब जल्दी से फट ही जाएगा, एक ही बार अगर धुल दूँ तो फट जाएगा, तो इसीलिए मैं मशीन में एक साथ कपड़ों में नहीं डालती हूँ, हाथ से ही बस निकाल देती हूँ। तो थोड़ा बाल्टी में डिटर्जेंट पाउडर ज़्यादा ही हो गया है, कपड़े गंदे नहीं होते ना, थोड़ा सा भी डाल दो तो बहुत ज़्यादा झांक आने लग जाते हैं। तो अभी दूसरा साड़ी भी, ये भी अभी कल ही पहनी थी, तो एक दो घंटे दो तीन घंटे पहनी थी, तो फिर इसे भी साथ में धुल दे रही हूँ। और मेरे एक जोड़ी हैं और परी के हैं और हस्बैंड जी के भी हैं, तो ये सारे कपड़े ना यहीं धो दूँगी। और वैसे भी अब कुछ काम नहीं है, मैंने जो है खाना भी बनाई दी हूँ साथ साथ में, जो काम कर रही थी ना काम करते करते, और उसी साथ साथ में जो है अपना खाना भी बना दी हूँ। तो अभी ये सब काम ख़त्म करके तभी, और काम करते करते मुझे 12 बज गया था, 12 एक तो ऐसे तो बज ही जाते हैं ना, जैसे सुबह का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है कितना भी हम कोशिश कर लें ना, लेकिन एक एक काम निकल के आ ही जाते हैं। और ये देखिए दूसरे के वजह से हमें कितना दिक्कत हो रहा है, रस्सी बंधवाना है, अब रस्सी लाएँगे जभी तो बंधेगा, मतलब वो निकाले नहीं होते वो सब, तो इतना दिक्कत नहीं था, रस्सी पे आराम से कपड़े सूख जाते थे। अभी तो फ़िलहाल यहाँ थोड़ा बहुत जो कपड़े रहते हैं सुखाना ही पड़ रहा है, मजबूरी है, और रस्सी बांधना अभी पतिदेव को टाइम नहीं मिल रहा है, जब उन्हें मिलेगा टाइम तो बांधेंगे, और वैसे भी लाना भी पड़ेगा, अभी है भी नहीं, घर पर भी नहीं है रस्सी, तो बस यहीं पे कपड़े सूख जाएंगे। और धूप तो अच्छे खासे निकले हुए हैं, बहुत तेज़ निकली हुई है धूप, लेकिन ना वो थोड़े देर में बादल हो गए थे, फिर बादल धूप, लेकिन फाइनली कपड़े सूख गए थे, मतलब बारिश नहीं हुई थी आज। तो फिर यहाँ पे चौक में वही जो कपड़े धुलती हूँ ना मैं, खंगालती हूँ, वो पानी सारा ऐसे चौक में ही फेंक दी थी, तो उसी से मेरा चौक भी धुल गया है, एक्स्ट्रा पानी भी नहीं खर्च करना पड़ा है मुझे। और उसके बाद बस सारे काम ख़त्म हो गए, परी को नहला भी दी मैंने, उसे तैयार भी कर दी हूँ, तो फाइनली पोछा लगा दे रही हूँ कमरे में। और ये पता क्या कर रही है, मैं इसे तैयार भी कर दी हूँ, पाउडर काजल सब कर दी हूँ, लेकिन ये पाउडर के लिए रोने लगी थी, तो मैं इसे पाउडर दे दी हूँ, तो हाथ में पाउडर लेके, और देखिए आप लोग क्या कर रही है, पैरों में कपड़े हटा हटा के पैरों में लगा रही है, गाल पर लगा रही है। और उसके बाद ना मेरा मन था आज चलो ये चावल फ्राई कर देते हैं, तो खाना वाना खाने के बाद, ये शाम का है 4 बजे का क्लिप है ना, तो ये मैं थोड़ा सा जो चावल बच गया था तो उसे मैं फ्राई कर रही हूँ, और दूध गर्म करना भूल गई थी तो अभी दूध गर्म कर रही हूँ। और ये है चावल, बना हुआ चावल, और ना ये इस तरह से चावल फ्राई बहुत ही अच्छे लगते हैं, चाहे तो आप सुबह नाश्ता में भी ले सकते हैं इस तरह से। तो खड़ी मिर्च, लहसुन, जीरा में एक प्याज मतलब अच्छे से भून के, उसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा लाल मिर्च डाल के, और अच्छे से इनको थोड़ा सा भून देंगे, और उसके बाद इसमें डाल देंगे अपना चावल, जो हमारा चावल बना हुआ है वो वही चावल इसमें डाल देंगे, और बस अच्छे से इसे भून लेंगे थोड़ा सा तेज़ आंच करके, और अच्छे से भून देंगे। और थोड़ा सा इसमें मैं नींबू डाल दी हूँ, तो अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप लोग ज़रूर, अगर चावल फ्राई बच भी जाते हैं ना चावल, तो भी इस तरह से फ्राई कर दीजिए ना, तो थोड़े थोड़े घर में आपके जितने भी लोग हैं ना ले लेके खा लेंगे, सच में ख़राब भी नहीं जाएगा और हो भी जाएगा। तो चैनल पर जो न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। फिर मिलेंगे ऐसे ही न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक लिए बाय बाय।